आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी में लड़कियों के साथ यौन शोषण मामले में फंसे बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के वकील को हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। सोमवार को आरोपी बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित कोर्ट में पेश नहीं हुआ, जिस पर जवाब देते हुए बाबा के वकील ने कहा कि नारी नर्क का द्वार है। वकील के ऐसे शब्दों को सुनकर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल भड़क गईं और वकील को फटकार लगाते हुए जुबान संभालकर बात करने की चेतावनी दी। उन्होंने डांटते हुए कहा कि चुप रहिए, जरा जबान संभालकर बोलिए, ये कोर्ट है, आपकी आध्यात्मिक क्लास नहीं जहां प्रवचन दे रहे हैं, आप कौन से युग में रहते हैं। वकील की इस बात को लेकर जमकर हंगामा हुआ। वहीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी इसका विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद बड़ी संख्या में कोर्ट में मौजूद बाबा के समर्थकों को कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया गया। इस मामले में अगली सुनवाई 8 फरवरी को होनी है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।